हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि पता है कि आज हमारे गेम के अंदर OB37 का अपडेट आया है। एंड जब भी हमारे गेम के अंदर OB का अपडेट आता है, तब हमें प्ले स्टोर पर फ्री फायर मैक्स में अपडेट देखने को मिलता है। एंड जब हम फ्री फायर मैक्स को प्ले स्टोर से जाकर अपडेट कर लेते हैं, तब हमारे गेम के अंदर OB का अपडेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि कुछ लोग जैसे कि वो प्ले स्टोर पर जा रहे हैं फ्री फायर मैक्स को अपडेट करने के लिए, तो उनका फ्री फायर मैक्स प्ले स्टोर पर अपडेट नहीं बता रहा। उनको सिर्फ प्ले स्टोर पर दो ही चीज़ बता रहा, पहला अनइंस्टॉल, दूसरा प्ले। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको भी कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। जब आप प्ले स्टोर पर गेम को अपडेट करने जाओगे, तब आपको वहाँ पर सिर्फ प्ले का ऑप्शन आएगा, अपडेट का नहीं आएगा। अगर आपके साथ भी कुछ इस प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है, आप भी गेम को अपडेट करने जा रहे हो, अगर आपका भी वहाँ पर अपडेट का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप लोग वहाँ पर अपडेट का ऑप्शन कैसे ला सकते हो एंड कैसे आप गेम को अपडेट कर सकते हो, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच करना, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपको प्ले स्टोर पे फ्री फायर मैक्स में अपडेट का ऑप्शन लाने के लिए आपको करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेना। मोबाइल की सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको नीचे में आना, एंड यहाँ पे आने के बाद आपको ऐप मैनेजमेंट नाम का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद आपको ऐप लिस्ट का ऑप्शन दिखेगा, आपके मोबाइल में जो भी आपका मोबाइल है आपको ऐप लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। ऐप लिस्ट में आने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन दिख जाएंगे, जो भी आपके मोबाइल में एप्लीकेशन है यहाँ पे आपको शो होने लगेंगे। तब आपको सबसे पहले यहाँ पे एक एप्लीकेशन ढूंढना है, गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर दिख जाए, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको स्टोरेज यूज का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको गूगल प्ले स्टोर का क्लियर डाटा एंड क्लियर कैचेस कर देना है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे क्लियर डाटा एंड क्लियर कैचेस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आपको क्लियर डाटा एंड क्लियर कैचेस करके आपको बैक आ जाना है। एंड बैक आने के बाद आपको एक और एप्लीकेशन ढूंढना है, गूगल प्ले सर्विस, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर के आसपास ही मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपको इसमें भी स्टोरेज यूज वाले ऑप्शन में चल जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आने के बाद इसका भी क्लियर डाटा एंड क्लियर कैचेस कर देना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे क्लियर डाटा एंड क्लियर कैचेस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। लेकिन आपको क्लियर डाटा एंड क्लियर कैचेस कर देना है। जब आप गूगल प्ले स्टोर एंड गूगल प्ले सर्विस का क्लियर डाटा एंड क्लियर कैचेस कर दोगे, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको प्ले स्टोर ऐप को ओपन करना है। प्ले स्टोर ऐप को ओपन करने के बाद आपको फ्री फायर मैक्स सर्च करना है। जब आप फ्री फायर मैक्स जैसे ही सर्च करोगे, तब आपको प्ले स्टोर पे फ्री फायर मैक्स में अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आप आसानी से गेम को अपडेट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप लोग प्ले स्टोर पे फ्री फायर मैक्स में अपडेट का ऑप्शन ला सकते हो एंड फ्री फायर मैक्स को अपडेट कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।